Hello guys, welcome back to Great Art of War 3 YouTube channel. Today in this video we are going to review a PvP battle. In this battle my opponent is rank 22 and his name is Carol. Also I am going to distribute 5 promo codes for 100 tokens to the viewers in this video. So for win a promo code you need to write your profile name and your rank in the comment box. My English is not so good, so I prefer to speak Hindi. जैसा कि आप सभी को पता है कि हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी प्रोमो कोड्स दिए जाएंगे. इस वीडियो में 5 प्रोमो कोड्स दिए जाएंगे टोटल, और ये प्रोमो कोड्स उनको दिए जाएंगे जो कि अपना प्रोफाइल नेम और अपनी रैंक को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे. 2 मिनट का समय बीत चुका है और इस समय पर मैप के दाएँ और कॉर्नर में एक लार्ज कंटेनर ड्रॉप हो चुका है. जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस लार्ज कंटेनर को मैंने आसानी से कलेक्ट कर लिया है. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और प्रोमो कोड जीतने का आपका चांस जो है उन वीडियोज़ में ज़्यादा रहे. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह बैटल पसंद आएगा. आई होप यू लाइक दिस बैटल. बैटल में अपने ओपोनेंट को स्काउट करते रहना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता रहे कि ओपोनेंट क्या करने वाला है और उसके लिए काउंटर स्ट्रेटजी को तैयार किया जा सके. जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ओपोनेंट के पास में एक व्हीकल फैक्ट्री है, एक स्पेशल व्हीकल फैक्ट्री है और एक एविया फैक्ट्री है, और ओपोनेंट के पास दूसरी भी एक व्हीकल फैक्ट्री है जिसको अपग्रेड पर लगा दिया है. इसका मतलब 2 उसके पास व्हीकल फैक्ट्री है, एक स्पेशल व्हीकल फैक्ट्री और एक एवा फैक्ट्री है. क्योंकि मेरे पास प्रीमियम है इसलिए मुझे पता चल गया था कि ओपोनेंट 22 रैंक का है, और मैंने लेवल 2 की बजाय लेवल 3 के हीरो को प्रोड्यूस करने के लिए अपनी जो हीरो फैक्ट्री है उसको अपग्रेड पर लगा दिया. लगभग 7 मिनट में मैंने अपने सोलारिस को प्रोडक्शन के लिए लगा दिया है, और ओपोनेंट ने मेरे बेस के ऊपर स्काउटिंग के लिए एक ड्रैगन फ्लाई का यूज किया है. ये ड्रैगन फ्लाई की स्पीड काफ़ी अच्छी है क्योंकि रैंक 22 की मुझे एमएक्स लग रही है. लगभग 1 मिनट में सोलारिस प्रोड्यूस होकर के बैटल के लिए तैयार हो चुका है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैप के ऊपर एक ग्रीन आइकन, यहाँ पर एक लार्ज कंटेनर ड्रॉप होने वाला है, और मैंने इस लार्ज कंटेनर को भी आसानी से कैप्चर कर लिया. इसके बाद में मैंने अपने सारे जो यूनिट्स हैं उनको गैदर करके मैप के सेंटर में लेकर आ गया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ओपोनेंट यहाँ से कभी भी अटैक शुरू कर सकता है क्योंकि उसकी रैंक 22 है, और रैंक 22 पर होने की वजह से उसकी जो प्रोडक्शन स्पीड है वो भी काफ़ी अच्छी है. मेरा जो सोलारिस है उसकी रैंक 7 है. अगर आप एक मेरी तरह एक कॉन्फेडरेशन के प्लेयर हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सोलारिस की क्लास लिख सकते हैं. जैसे ही ओपोनेंट की कमेलियन डिस्ट्रॉय हुई, ओपोनेंट ने अपनी सारी जो यूनिट्स हैं उनको वापस अपने बेस में बुला लिया. आपको मेरा सोलारिस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें. इस समय पर ओपोनेंट के पास में लगभग ना के बराबर यूनिट्स हैं, और मैंने ओपोनेंट के बेस के ऊपर हमला शुरू कर दिया है. जैसा कि आप देख पा रहे हैं ओपोनेंट की बिल्डिंग्स हैं वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही हैं. मेरे पास लेवल 1 और 3 का जो हीरो है वो ओपोनेंट की बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं. आई होप यू लाइक द बैटल. इफ यू लाइक द बैटल press the subscribe button and turn off on the bell notification so you don't miss the next videos. Also I will give promo codes in the next videos. I will repeat again as I told you in the beginning of this video that I will give 5 promo codes. So if you haven't commented your profile name in the comment section, please comment your profile name with the rank so I will give winners the promo codes. Winners will be selected randomly. Thanks for watching. Have a nice day. See you in the next video.
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Let it, 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 let